सारंगढ़ जिले के आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सालर क्षेत्र के ग्राम कटेल के जंगल में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपी आबकारी विभाग की टीम को देखकर जंगल की ओर भाग निकलने में कामयाब हो गए। टीम ने मौके से दो भट्टी पर चढ़ी 210 लीटर अवैध महुआ शराब व 6000 किलो महुआ लाहन, 20 किलो शक्कर तथा 20 किलो सूखा महुआ जब्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत गैर जमानती प्रकरण दर्ज किया है। बलौदा बाजार पुलिस ने खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाले संगठित गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सिटी सर्विलांस सिस्टम के तहत भाटापारा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के चौक चौराहों पर लगे कैमरों से आरोपियों की पहचान करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपियों से 110 लीटर डीजल एवं चोरी में इस्तेमाल बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया है। बलौदा बाजार जिला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों द्वारा भाटापारा शहर में मोटरसाइकिल चोरी की सिलसिलेवार घटना को अंजाम दिया जा रहा था। भाटापारा शहर में स्थापित सिटी सर्विलांस सिस्टम की मदद से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो मुख्य आरोपी एवं चोरी का मोटरसाइकिल खरीदने वाले दो आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुरा चौक में एक आरोपी द्वारा खुलेआम चाकू लहराने का वीडियो सामने आया है। आरोपी पुलिस जवान को भी चाकू दिखाकर डरा रहा है। डायल 112 की टीम सूचना पर पहुंची तो वह उन्हें चाकू दिखाकर धमका रहा था। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित होटल राजघराना में भीषण आग लग गई। होटल के चौथे माले पर आग लगी थी। दमकल की दो गाड़ी मौके पर आग बुझाने में जुटी रही। वहीं दमकल और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। रायपुर रेलवे स्टेशन में बड़ी मात्रा में जीआरपी ने गांजा बरामद किया है। जीआरपी ने इस मामले में 6 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी ने 10 लाख रुपए से अधिक का 1 क्विंटल 4 किलो गांजा इन आरोपियों से बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी प्रवीण सिंह, अक्षय पाल, रवि विदिकर, बिज्जू पालका, चिन्नू श्रीराम और प्रीतम रायगढ़ा से समता एक्सप्रेस से रायपुर पहुंचे थे। सूरजपुर जिले के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र खोपा धाम में मूर्तियों को उखाड़कर खंडित करने की घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। धाम में मूर्तियों को उखाड़ने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। धाम के बैगा समेत ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बलरामपुर जिले के गौरलाटा पहाड़ी के नीचे स्थित मंदिर के पुजारी की हत्या का रहस्य उद्घाटन पुलिस ने कर दिया है। ग्राम मगाजी निवासी आरोपी नवीन पन्ना ने पुजारी रतिया भगत की हत्या कर दी थी। आरोपी के पिता द्वारा पहाड़ी के नजदीक लगाए गए सलीब क्रूज पर ग्रामीणों की आपत्ति तथा पुजारी द्वारा स्थल पर पूजा पाठ करने से नाराज होकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। चूना भट्टा के पीछे कोतरा रोड बावली कुआं में रहने वाले दो परिवार के सदस्यगण थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि बापू नगर के कुछ युवक एक लड़के को ढूंढते हुए जबरन घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट करने लगे हैं। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मारपीट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजोरा में स्थित वृंदावन का गौठान के मुख्य प्रवेश द्वार को हाइवा चालक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सरपंच अंजू साहू ने बताया कि डालू राम साहू जोरा तराई निवासी हाइवा का मालिक है, जो कि रात में गौठान परिसर में गिट्टी या मुरुम छोड़ने आया था। मटेरियल गिराने के बाद निकलते समय हाइवा चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रवेश द्वार को क्षतिग्रस्त कर डाला। बालोद जिले के चर्चित चारवाही पोस्ट ऑफिस में 6,08,705 रुपए गबन कांड मामले में तत्कालीन पोस्ट मास्टर उमेंद्र कुमार साहू को
पुलिस ने इंद्रपुरी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भी भेज दिया। आरोपी के खिलाफ 6 माह पहले जुलाई माह में बालोद थाने में धारा 420 409 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। बालोद क्षेत्र की युवती से दुष्कर्म व मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने उमेश कुमार साहू को दुर्ग बस स्टैंड में स्थित बार से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार FIR दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी दुर्ग में जाकर छिप गया था, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर बालोद लाया गया। दंतेवाड़ा की एक युवती की तस्वीर फेसबुक में अपलोड कर अश्लील कमेंट लिखने तथा पीड़िता के मोबाइल में बार बार कॉल करके अश्लील गाली गलौज करने के मामले में गीदम पुलिस ने आरोपी सुरेश नाग निवासी फरसपाल को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर एक और 1 लाख का इनामी नक्सली जनताना सरकार अध्यक्ष राजू लेकाम शांति के पद पर लौट आया है। कांकेर जिले के कच्चे में संचालित लौह अयस्क माइंस में स्थानीय मजदूरों को काम देने और परिवहन कार्य में भी हिस्सेदारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यहां करीब 7.5 घंटे तक स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। लंबी बातचीत के बाद देर शाम चक्का जाम समाप्त किया गया। राजधानी के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 6 साल पहले शुरू हुआ IIT भिलाई नए सत्र से खुद के सर्व सुविधा युक्त कैंपस कुटेला भाटा में संचालित होगा। जी हां, बता दें कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। जून माह तक हर हाल में यहां शिफ्टिंग का काम भी पूरा हो जाएगा। बिल्डिंग तैयार होने के अलावा अन्य सुविधाएं और डेकोरेशन व फर्निशिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। सिर्फ पानी सप्लाई की व्यवस्था होना अभी बाकी है, जिसे कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।